Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में उठते बैठते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारी बॉडी में एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करता है कि खास करके जो हमारे पेल्विक मसल होते हैं, पेल्विक के जो बोन होते हैं उसको थोड़ा सा लूज करना स्टार्ट कर देता है, ताकि 9 महीने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। लेकिन इसी के साथ पूरी बॉडी में भी जहाँ पर भी जॉइंट्स होते हैं वो भी थोड़े से लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आपको बाद में पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, शोल्डर में दर्द, कमर में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना है। सबसे पहले तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको पैरों के ऊपर पैर रख करके लेग को क्रॉस करके नहीं बैठना चाहिए। अगर आप ऐसे लंबे समय तक बैठोगे तो क्या होगा कि आपका जो नीचे का पैर होगा उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उसकी नसों के ऊपर प्रेशर आएगा, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा और फिर आपको पैरों में दर्द भी हो सकता है, पैरों में सूजन भी आ सकती है, पैरों में जनजनाती भी आ सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको लेग को क्रॉस करके नहीं बैठना है, आप पैरों को अलग करके ही बैठें, या फिर थोड़े टाइम के लिए ठीक है लेकिन लंबे समय तक आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए। दूसरी चीज, आपको पैरों को हवा में लटका कर बिल्कुल भी नहीं बैठना है, खास करके आपके सेकेंड ट्रिमेस्टर के बाद तो बिल्कुल नहीं बैठना है। जैसे अगर आप बेड के ऊपर या सोफा के ऊपर बैठ रहे हो तो पैरों को आप अच्छे से नीचे टिका कर बैठ सकते हो, या फिर आप नीचे छोटा सा एक स्टूल रख करके उसके ऊपर पैर रख करके बैठ सकते हो, या फिर आप पैरों को ऊपर रख करके बैठ सकते हो। अगर आप पैरों को हवा में लटका कर बैठोगे तो उससे भी आपको फिर पैरों में सूजन आना पक्का है। तो इससे बचने के लिए आपको पैरों को नीचे सपोर्ट देकर ही बैठना है। तीसरी चीज, आपको एक ही पोजीशन में लंबे समय तक नहीं बैठना है, या फिर एक ही पोजीशन में आपको लंबे समय तक खड़े भी नहीं रहना है। अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा और फिर आपको पैरों में दर्द हो सकता है। तो जैसे अगर आप बैठकर काम कर रहे हो और अगर आधे घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है तो आप थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, पानी पी करके वापस आ जाइए, वॉशरूम यूज करके वापस आ जाइए, फिर आप दोबारा से वो काम कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही पोजीशन में बैठे रहोगे तो फिर आपको कमर दर्द होगा, पैरों में भी दर्द हो सकता है, या फिर अगर आप खड़े होकर के काम कर रहे हो और अगर आधे घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है तो भी आप थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा बैठ जाइए और फिर दोबारा से उठकर 5-10 मिनट के बाद वो आप काम कंटिन्यू कर सकते हो। एक ही पोजीशन में खड़े रहने की वजह से भी फिर आपको पैरों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको नीचे बैठना भी अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके जहां तक हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए, खास करके आपके थर्ड ट्रिमेस्टर के दौरान, क्योंकि आप बैठते समय तो बैठ जाओगे लेकिन फिर उठते समय आपको परेशानी हो सकती है। तो बेहतर रहेगा कि आप अगर स्टूल के ऊपर, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफा के ऊपर बैठ रहे हो तो फिर वहां से उठने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नीचे से उठने में आपको आपके पेट के ऊपर, आपकी कमर के ऊपर प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा बैठते समय आप हमेशा आपके बैक के पीछे एक सपोर्ट जरूर से रखें। जैसे बेड के ऊपर, सोफा के ऊपर अगर आप बैठ रहे हो तो पीछे सपोर्ट देकर के बैठे, या फिर आप एक पिलो आपके बैक के पीछे रख सकते हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय के लिए बैठे रहोगे विदाउट सपोर्ट तो भी आपको शोल्डर में पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको आपकी बैक को सपोर्ट देकर ही बैठना चाहिए। और आपको एकदम से नहीं उठना है,
जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जैसे सुबह उठते समय अगर देरी हो गई हो या फिर अचानक से किचन में कोई काम हम छोड़ के आ गए थे वो याद आ गया है, तो हम एकदम से बेड के ऊपर उठकर दौड़ के जाएंगे। तो ये आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना। जैसे अगर आप लेटे हुए हो, आपको उठना है, तो आप पहले करवट ले लीजिए, फिर आप धीरे से बैठ जाइए, पैरों को अच्छे से नीचे टिका दीजिए और फिर आराम से धीरे से कोई सपोर्ट लेकर ही आप खड़े होइए और फिर आप धीरे से बाहर जा सकते हैं। एकदम से झटके से अगर आप उठकर दौड़ के जाएंगे तो भी आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, कमर में दर्द भी हो सकता है, बच्चे को परेशानी हो सकती है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इन शॉर्ट, प्रेगनेंसी के दौरान आपको लेग को क्रॉस करके नहीं बैठना है, पैरों को लटका कर नहीं बैठना है, आपको एक ही पोजीशन में ज्यादा समय के लिए खड़े रहना, बैठना अवॉइड करना है, आपको नीचे बैठना अवॉइड करना है, आपको बैक के पीछे सपोर्ट दे करके बैठना है और एकदम से झटके से बेड के ऊपर से उठना या सोफा के ऊपर से उठना भी अवॉइड करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप के मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।